ये जो साउंड सिस्टम आपका है, इसमें जो परफॉर्मर है उसकी आवाज कम आ रही है, आप लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है, तो जरा सा ये देखें कि क्या है। मैं सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूं दोस्तों, और उसके बाद आईआईटी परिवार का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे रखिएगा, बहुत अच्छा माइक हो गया, बिल्कुल उसको मत करिएगा। मुझे किसी ने बताया कि आज से पहले भी मैं कि 10-5 बरस पहले बीएचयू कैंपस में एक बार आ चुका हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ, और बहुत अच्छा लगा। मैं अभी किसी अखबार वाले से बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि भाई हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस तरक्की करते जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अदब साहित्य और लिटरेचर पीछे आता जाएगा। लेकिन यहाँ का जो मंजर मैं देख रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने गलत पढ़ा था और गलत सुना था। मैं बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, आज बनारस में बीएचयू कैंपस में आईआईटी परिवार ने इतने कीमती हिंदी के मंच पर इस गजल के फकीर को भी याद किया। ये यहाँ बनारस में आज सिर्फ राहत इंदौरी का सम्मान आपने नहीं किया है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान किया है। थोड़ी देर मुझे बोलने की इजाजत दीजिए, इसलिए कि मैं फिर शेर पढ़ना जब लगूंगा तो फिर बोलूंगा नहीं, सिर्फ शायरी ही सुनाऊंगा। एक आध मिनट का मुझे वक्त दे दीजिए। मुझे कोई गर्रा या गुरूर या गलत फहमी या खुद फहमी बिल्कुल नहीं अपने बारे में कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मैं कोई 30-35 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गजल पढ़ाता रहा, तो मुझे मालूम है कि गजल पढ़ने के लिए, गजल सुनने के लिए, गजल लिखने के लिए, गजल सुनने के लिए, गजल सुनाने के लिए आदमी को थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा उत्साही, थोड़ा सा जुनूनी और थोड़ा बहुत बच्चलन। और जब यहाँ पहली बार माइक पर गौरी मिश्रा आई और उनका इस्तकबाल डॉक्टर साहब ने किया, जो शाल उड़ाई और जो आपका रिस्पांस था, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे काम के यहाँ काफी लोग हैं। किसी जरिए से मेरे शेर बहुत से आप तक पहुंचे भी होंगे, तो वो शरीफ लोग, गजल सुनने का तरीका बता रहा हूँ, वो शरीफ लोग होते हैं जो सुनावा शेर ही होता है तो खामोशी से सुन लेते हैं। इसलिए कि आपके सामने वो शेर जो आपको याद है, उसका राइटर, उसका शायर आपके सामने खड़ा होकर खुद अपनी जुबान से सुना रहा है। आप जिस तरीके से सुनेंगे उस तरीके से मैं सुनाऊंगा, आप जैसी शायरी पसंद करेंगे वैसी शायरी मैं सुनाऊंगा, और जब तक आप सुनेंगे तब तक मैं सुनाऊंगा, ये वादा है। उसके बाद एक बात और, मेरी छोटी है, ये बड़ी अच्छी राइटर हैं गौरी मिश्रा, हमारी बड़ी पसंदीदा और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, हमारी तो बेटी की तरह हैं वो। शायरी में झूठ बोलना बहुत ज़रूरी होता है, सारे देश में वो बहुत ही पसंद की थी। नहीं, इसमें देखिए, मैंने अभी शायरी शुरू नहीं की है, मैंने ये कहा है कि शायरी में झूठ बोल सकते हैं। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे सामने सब सच्चे लोग बैठे हैं, बड़े लिखे लोग बैठे हैं, तो अभी मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, वो मेरी बेटी की ही तरह है। अब सुनिए, अगर मैं ये कह रहा था कि मैं पहला शेर पढ़ के देखता हूँ, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कैसा शेर आपको सुनाना है, और ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितनी देर शेर सुनाना है। बस आप जिंदा रहें, जब तक मैं, मुझे ऐसा लगता रहेगा कि आप सुन रहे हैं और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो सब जिंदा हैं, तब तक मैं सुनाता रहूँगा। अगर इजाज़त दे दें तो मैं शुरू करें आगे।
शुक्रिया आपका। ऐसी सर्दी है, मजा ले लिएगा, यहीं से पता चलना है मुझे, मेरी रास्ता नहीं। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। मैं समझ गया कि आपकी पसंद क्या है। मुझे क्या नौजवानों की ही तादाद है, मेरा ख्याल है ज्यादातर बच्चे ही नौजवान, या तो नौजवान बैठे हैं या वो लोग बैठे हुए हैं जो नौजवान होने की कोशिश में हैं। उनके लिए खेल पड़ता हूँ, सबके लिए, जितने नौजवान यहाँ बैठे। मुझे सामने कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, वो भी मेरा शेर सुन तो सकते हैं लेकिन उस पर अमल ना करें। कहता हूं कि राह आपके काम का है बच्चों, राज जो कुछ हो इशारों में बता दे देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। सुने के जवान आंखों के, ये जो मैंने दो शब्द पढ़े ना इस पर ही आपको उछल जाना था। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे हैं, देता हूं कि आपके सारे बच्चे अमरूद का मतलब समझते हैं। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। अब शेर का मजा लीजिएगा। ये बहुत कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं कि वो मेरी लाइन उससे पहले पढ़ते हैं। ये पढ़ के बताया कि उनको पढ़ रहा सुने कि अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। बहुत काम की दोनों लाइनें हैं। भुला दे मुझको, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान। मैंने पहले आते ही सबसे पहले सिंगर्स ये कहा था कि मेरी आवाज कम आती है, आपकी ज्यादा आती है। जब मैं बोलूं तो सिर्फ मुझे बोलने दीजिए, मेरे शब्द अगर इधर उधर चले गए, मर गए, खत्म हो गए, तो आपका भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा। इसलिए पहले सुन ले, उसके बाद मेरी तारीफ कर सकते। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे हूं, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे हैं।
दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, लेकिन इतने पके पकाए हुए लड़के आते हैं बुलाते हैं मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे ये मेरे गुरुजन सामने बैठे हुए ये कह रहा है, सोच रहे होंगे कि अपने आप को ये भी बता रहा है कि पढ़ाता लिखाता भी रहा है, और अब मेरी उम्र भी आप देख रहे हैं 70 बरस का हो गया हूँ, सोच रहे होंगे 70 बरस का बूढ़ा हमारे बच्चों को क्या सिखा के जा रहा है। मुझे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी उम्र अब 70 साल की जरूर है, लेकिन मैं किसी जमाने में 18 साल का भी रहा हूँ। जो आप हमने अपने बच्चों को नहीं दिया मैं लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा सुनाना चाहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, बच्चा बहुत ज्यादा बोल रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है, मैं शेर में भूल जाता हूँ। अब ये जो बोल रहा है कौन है, ये आए बहुत आ रही है, और ये आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में मालूम करें, बहुत ज्यादा विवक्त बोल रहा है, ये चाय जरूर बेचता होगा। तूफानों से आंख मिला, ये पढ़ने में मूड खराब हो जाता है, तुझे तुझे याद हो तो मुझे सुना देना, मेरे को मुझे बदल जाता या तुझे काम करे मैं बैठ जाता हूँ, तू आके सुना दे, मजा ऐसा खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार। साहब कहता हूं कि तैर के लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, लोग ऐसा सुने खुदा के लिए, रात में कलेजा निकाल के रख दूंगा, बस ऐसा लगे कि मैं जो मेरा एक भी शब्द जख्मी नहीं हो रहा, मर नहीं रहा, इतना ऐसा सुन कह रहा हूं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, रुक रुक के संभलते क्यों, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। फिर नौजवानों फिर आपके लिए फिर आता है कि मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों, जवानी का संभलने, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में आप सुनने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया, मैं सलाम करता हूँ आपको। मेरी सांसों में बस ये है कि मैं जब तक माइक पर हूँ आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा ही नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना दूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ करने दीजिए मुझे, लेकिन जब शेर आएगा तो मैं इशारा कर दूंगा कि शेर आ गया। कह रहा हूं कि लोग मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स
बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने की। एक बहुत रास की बात आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि यहाँ पर मेरे सामने जो बैठे हैं ऊपर नीचे तो देखा आगे पीछे 100% पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, और शायर के लिए, शायरी वालों के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि पढ़े लिखे लोगों को शायरी सुना दें। ये सबसे मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ, वरना ही क्या बकवास कर रहा है, समझ नहीं। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी शायरी भी है कि जो मुझे पढ़े लिखों को सुनाना चाहिए। मैंने अभी तक आप लोगों को एक भी शेर नहीं सुनाया। मैं इंतजार कर रहा था कि आप राहत इंदौरी को सुनने के काबिल हो जाए, मूड में आ जाए, और आप लोग आज कुछ कैसी है थी? तो आप मुझे इजाजत दें कि मैं पहला शेर पढ़कर देखूं। कहता हूं कि साहब फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। एक शेर मैंने जब से कहा तब से ये इरादा रखता था, ये मैं एक ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से मेरा ये शेर मैं अपने मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाऊं, क्योंकि आपके यहाँ के हैं वो, यहीं से आपने वजीर आजम ने बनाया है, तो अगर किसी तरीके से मेरा ये शेर वहां पहुंच जाए तो मेरी मदद हो। शेर सुना रहा, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। शेर ये पहुंचा दीजिए कि कट चुकी है, कट चुकी है, कट चुकी है उम्र सारी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। साहब नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे आप लोगों को। अब मैं इस तरीके से थोड़ी थोड़ी शायरी की तरफ जा रहा हूँ कि जिसमें मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और बस ये एहतियात और ये एहसास मुझे ये रहे कि मैं हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, एक यूनिवर्सिटी में शायरी सुना रहा हूँ। सुने कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप चराहों को शाम कह देंगे, नए सफर। फिर एक बात बताना पड़ेगी आपको, मुझे बार बार बोलने में मजबूर ना करें, एक बात और बता दूं कि ये दोनों जो लाइनें मैंने आपको सुनाई ये अच्छी थी। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, ये उर्दू गजल सुनने का एक हुनर और सिखा दूं, मुझे माफ कर दें कि जो शेर आप सुनते हैं और समझ में आता है और पसंद आता है, और वे आपको कहा जब उससे मिलाना तो दबा भी देना और एकदम दबा दबा करके आपने डाल दे, यानी ये आपको अच्छा लगा और अच्छा था भी और समझ में भी आया। लेकिन जो शेर आपको समझ में नहीं आया तो ये समझना कि ये कोई बहुत बड़ा शेर रहा, तो आपका भी फायदा होगा और मेरा भी।
कह रहा हूं कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप, चराखों को शाम कह देंगे, चराखों को शाम कह देंगे। अब इज्जत रखिएगा दोनों शहर की, फर्क कीजिएगा, चराखों को शाम कह देंगे, किसी से हवा को धूप, चराखों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। साहब आग के में दोनों तरीके की सब शायरी है, क्योंकि आपको जरा सा लगेगा कि थोड़ा सा बोझल तबीयत हो रही है, तो मैं आपको वहीं लाऊंगा, ले आऊँगा जहाँ पर आपको होना चाहिए। और एक गज़ल का एक जादू ये भी है कि जैसे मैंने अभी कह दिया कि वज़ीर आज़म के लिए शेर है, बहुत से शेर ऐसे होते हैं कि जिसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शेर अपने आप उड़ के पहुँच जाता है जिसके लिए कहा जाता है। आप भी ऐसा महसूस कर लेंगे कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ। आपके पास सारे काम मैं से ही करवाएगा, कहता हूँ आपके पास आग, अब ये अपने आप जाएगा जहाँ जाना है। आग के पास कभी मोम को ला कर देखूं, आप यहां पर कहना पड़ता है बाबा। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। मैंने किसी का नाम ले लिया है। आपके पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगा कर देखूं। दो घड़ियां किसी भी शायर पर दो वक्त, दो घड़ियां सबसे मुश्किल होती है। एक तो वो वक्त कि जब आपको बहुत जोर से दाद देना चाहिए तब खामोश रह जाते हैं, और दूसरी वो घड़ी कि जब बहुत ही घटिया शेर पढ़ाता जाता है, वाह वाह, और आप दोनों में माहिर हैं। सुनिए, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, ये दोनों लाइनें अच्छी हैं। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देखूं, मैं सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देखूं, जुबान तो खोल। अब ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे हूट करना शुरू कर दिया। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, आपको पहले सुन ले, फैसला कर ले, ठीक हो तो ही कर। कभी कभी नुकसान हो जाता। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, वहाँ पर मैं परफॉर्म कर रहा था, वहाँ प्रोत्साहित कर रहे थे उस जलसे को, उस प्रोग्राम को, उर्दू के बहुत बड़े राइटर हैं अहमद नदीम कासमी, उनके साथ एक साहब बैठे थे, वो हर लाइन पर किसी भी शेर पर चीख चीख कर दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शेर समझ में आए ना आए, अच्छा हो बुरा, वो कहते थे सुभान अल्लाह। वो कासमी साहब को जब उनकी आवाज़ बहुत कानों में गिरा उतरने लगी, तो उन्होंने कहा कि मियाँ आप अल्लाह को इतनी जोर जोर से याद करते हैं, आप अल्लाह को इतनी जोर जोर से याद करते हैं,
अगर अल्लाह ने आपको धीरज दिया ये जलसा आपका आखिरी हो जाए तो पहले सुन ले, समझ ले, फैसला कर ले, उसके बाद कह रहा हूं कि जुबान तो खोल, जुबान तो खोल, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। अब ये शायरी फिर नौजवानों के लिए, मैं जब जब कहूं या मैं गलत कह दी, जब जब मैं ये कहता हूं कि ये शेर नौजवानों के लिए, आगे के जो बुजुर्ग हैं उनकी चमक देखो आंखों में। कहता हूं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उस ऑडिटोरियम में उर्दू का एक गजल का शायर शेर पढ़ा, इससे बड़ी मोहब्बतों का कोई कारनामा होता है। और ये सबसे पहली जरूरत है मेरे मुल्क की, मेरे हिंदुस्तान की, मेरे अजीज मुल्क की। आज हम दोनों को फुर्सत है, दो जुबानें नहीं, उर्दू और हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, ये दो तहजीबें हैं। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, बस यही इश्क हो जाएगा, बड़ा बार हो जाएगा, ये सोना होगा। कह रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। ये अच्छा था, ये वाला भी। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान तजर्बा बता रहा हूं, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, ये मुनाफे की तिजारत है। अब तक जो शेर आपने सुने हैं, मैं चाहता हूं ये जो मेरी दो लाइन में पढ़ रहा हूं, इस पर सबसे ज्यादा आवाज आपकी दाद की और तहसीन की और तालियों की, मैं चाहता हूं मेरी ख्वाहिश है कि आ जाए जो मैं शेर पढ़ रहा हूं। शेर सुनिए ना, खास तो पहले सुन ले। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इस शेर की हिफाजत करिएगा कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। शेर याद है ना कि ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क। और
ये कल्पेश जिसने बच्चे ने ये मेरे सजाए, ये हमारे बड़े बढ़िया हैं, आपको सुनाया। एक तो ये कि वो लगातार गोरी मिश्रा से बात कर रहे हैं, और जहाँ पर सुभान अल्लाह कहना दाद देना चाहिए, हर हर महादेव कह रहे हैं। आइंदा कल्पेश बंसल और रूपेश भाई सक्सेना, इनको अगर यहाँ बुलाया जाए तो बड़ा स्वागत है उनका, लेकिन इन दोनों को अलग अलग बिठाएं। पूरे देश में साइन बोर्ड देख रहा हूं मैं, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग, ये मुनाफे की तजारत है, चलो रीश करें। आप हिंदू में, मुसलमान, ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो 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 ईश करें। नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, जल्दबाजी नहीं, अभी मैंने बताया ना, नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। ये मैं आप रिटर्न दे रहे हैं मेरे लफ्जों को, आपकी वापसी हो रही है, बस मैं ऐसे ही चाहता हूँ, कहता हूँ कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। फिर तैयार हो जाएं कि जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। यारो मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। तो सारे कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिए, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। जब एक अच्छा शेर पढ़ रहा हूं, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। साहब दो गज से, बनारस के अच्छे लोगों, इसकी हिफाजत कर लेना दोनों लाइनों से। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, दो गज सही, दो गज सही, दो गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, प्रॉपर्टी मिल्कियत। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, दो गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। मुझे बहुत
खुशी है कि आपका जिस शेयर पर 100% इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए वो आप यकीनन बराबर मेरा शेयर कहीं भी जाए नहीं हो रहा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या तो बस सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ये मौत, तुमने मुझको जमींदार कर दिया। और समझ होती शेयर, अब मैं अपने आप को थोड़ा सा समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी शायरी की एक डेफिनेशन ये भी है कि उससे ज़्यादा देर तक नहीं सुना जाता। तो मैं अपने आप को समेटता हूँ, कुछ अच्छे शेर सुनाकर मैं आपको सलाम करूँगा साहब। इसमें एक शब्द आता है, हालांकि पढ़े लिखे लोगों के सामने या शायरी की या कविता की महफिल में किसी शब्द के अर्थ बताना, मायने बताना बदतमीजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ, बच्चियाँ भी बैठी हैं, बेटे भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मादरी जबान, मातृभाषा उर्दू नहीं है, तो वो मुझे सब फॉलो भी कर सकें और इंजॉय भी कर सकें, इसलिए मैं बताने की हिम्मत कर रहा हूँ। इसमें एक लफ्ज़ है हुजरा, दो चार शेर पढ़ूंगा जिसमें एक लफ्ज़ बताऊँगा। हुजरा कहते हैं फ़कीरों और संतों की रहने की झोपड़ी हो। अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसलिए कि ये वाज़े हो। सब शरीक हो जाना कि मेरे हुजरे में नहीं, सर जिस शेर सुने, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमान लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। और जिंदाबाद बनारस, बनारस जिंदाबाद, यूपी जिंदाबाद, आईआईटी जिंदाबाद, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमान लाए हो। एक मेरे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई के घर आए, जिस वक्त मैंने पहला शेर पढ़ा था तब से मैं उन्हें देख रहा हूं कि काश एक आध शेर पे दाद दे दें, एक आध। अब आप अपना समझ रहे हो, आपको थोड़ी कह रहा हूं आपके पीछे हैं वो, लेकिन अच्छा लगे तो मुझे जरूर नवाज दें आपके आपकी औलाद की तरह। मेरे हुजरे में नहीं और क्या हो गया, इसमें कौन सी बुरी बात हो गई, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। साहब अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, मिलकर आप दाद मिल गई, शुक्रिया आपका दाद लेना कि मुझे मिल गई, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। और मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, जानकारों को भी ले जाके वहीं पर, मैंने जानकारों को भी ले जाके वहीं पर। रुपेश भाई आप इशारा कर दिए मुझे, मेरा ख्याल है काफी पड़ गया मैंने। अच्छा नहीं नहीं और एक गुजारिश बच्चों ने की मुझे, किसी तरीके से पहुंच गए होंगे मेरे शेर, तो मुझे हुक्म दिया टेलीफोन करके, बल्कि मोबाइल का, ये जरूर सुना लीजिएगा। मैं आमतौर पर फरमाइश पूरी नहीं करता और बच्चों को बता भी रहा हूँ कि मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी मोहब्बत से उन्होंने कहा है सुना। ये जो दो गज़ल का मतलब जिसके लिए कहा है बच्चों ने, इसमें या तो खूबी है या खराबी है, वो ये है कि अचानक ख़त्म हो जाता है, तो ज़रा से अगर आप होशियार नहीं रहे तो मैं घाटे में रहता हूँ।
जरा सा होशियार रहना, कोई मुश्किल और कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस ये है कि आपकी दिलचस्पी के लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिए। उसकी कथी आंखों में है जंतर मंतर, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब सब, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू बाहू छुरिया वुरिया खंजर वंजर, खत्म हो गया है साहब। उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू बाकू छुरिया मुरिया खंजर वंजर सब, जिस दिन से तुम, ये काम का है आपके फिर, चाकू बाकू छुरिया मुरिया खंजर वंजर सब, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया साहब, ये नाकाम और नामराद आशिक की आवाज, एक आवाज थोड़ी सी मर्दाना होती है, शायद बनारस के लोग, बीएचयू के लोग, आईआईटीज के लोग ये ज्यादा पसंद करें, ये शेर याद रखना और फिर दूसरा सुनना तो मजा आएगा। मैंने ये पढ़ दिया अभी कि जिस दिन से तुम रूठी उससे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब, अब दूसरी आवाज सुने के मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े से वार, जरा सी भी आपसे शिकायत नहीं रही शुरू से, लेकिन एक तो सिटी मन में गई बस खुदा के लिए। अब मैं साहब मैं एक बात और कह दूँ, मैंने पहले वादा किया था कि मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मजबूरी है मेरी बोल दूँ। मुझे मैं इन दिनों मेरी ये पैर दोनों ख़राब हैं और व्हील चेयर पर रहता हूँ, ये जिन पैरों पर खड़े होकर मैं आपको शायरी सुना रहा हूँ, ये मेरे पैर नहीं आपकी मोहब्बतें हैं, आपका और जब मैं चाहता था, मैंने ठीक करा था, जब मैं आया था यहाँ पर बनारस में मुझे याद किया, तो मेरे ख्याल था दिमाग में कि मैं ज़रूर सुनाऊंगा, तो ये सिर्फ 3-4 मिनट में मैं ख़त्म कर लूँगा, अगर मैं बगैर सुनाए चला जाऊँगा तो मुझे दुख होगा कि मैंने अच्छे शेर इतनी अच्छी महफिल में जहाँ इतने अच्छे सुनने वाले थे वहाँ नहीं सुनाए, तो मैं आखिरी में 3-4 मिनट होते थे। लेकिन अब आप सुनने की तरह सुन लें, 3-4 मिनट मेरी जिंदगी बना दीजिए। सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, सबको रुस्वा बारी बारी किया करो। एक शेर यहां का सुना दूं, पता नहीं सुनाना चाहिए मुझे या नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन यहां का है, बनारस, बनारस ने दिया मुझे ये शेर। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा जमीर अंतरात्मा, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मैंने कहा है कि ये शेर मुझे बनारस से मिला है, बनारस वालों के हवाले कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो भी शुक्रिया, बुरा लगे तो भी शुक्रिया। शेर राहत इंदौरी का, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, कुछ और काम, कुछ और काम
तो जैसे उसे आता ही नहीं मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। मगर वो झूठ बहुत शानदार साहब, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो सबको। बहुत ही आपसे गुजारिश है कि 3-4 मिनट मुझे दे दीजिए और ये बता दीजिए कि आप शायरी सुनने के लिए भी आए थे, राहत इंदौरी का परफॉर्मेंस तो देख लिया आपने, अब अगर शायरी सुनने भी आए तो मुझे अच्छा लगेगा। कह रहा हूँ कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो, अपने घर की पहरेदारी किया करो। अब मजा ले शेर का, अपने घर की पहरेदारी किया करो, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, अपने घर की पहरेदारी किया करो, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। मरने की भी कुछ तैयारी किया करो, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। शेर का मजा लेना, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। चांद चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, मरने की भी कुछ तैयारी क्या करो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। ज्यादा रोशन है तो रहने दो। ये इतनी आपकी तालियां और मोहब्बत है, इससे अच्छा छोटा से बात है। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। मेरा मानना दोस्तों ये सक्सेना साहब, मेरे पास 2-5 मिनट है ना, चांद एक दिन जिसमें मेरा रिजर्वेशन था वापसी का वो जा चुकी है, खैर बहुत टाइम है। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। सुने दोस्तों, मेरा मानना यह है कि दुनिया में जहां जहां इंसान है, जहां जहां मोहब्बतें हैं, वहां वहां कोई किताब जरूर है, जहां नफरतें हैं वहां भी कोई किताब है, जहां कोई धर्म है वहां भी कोई किताब है, जहां अधर्म है वहां भी कोई किताब है, जहां जंग है सो किताब है, जहां अम है सो किताब है, जहां दोस्ती है सो किताब है, जहां दुश्मनी है सो किताब है, लेकिन मेरी गजल जहां जन्म ले रही है वहां कुछ और है। सुनिए कि जिहालतों अज्ञानता, जिहालतों जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, जिहालतों के अज्ञानता के अंधेरे मिटा के लौट आया, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगली सफे खुश हुई, पिछली सफे भी खुश हो मेरा फर्ज है। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, वो अब भी रेल में बैठी
सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला दे लौटा। अभी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था, हिफाजत कीजिएगा, शरीक हो जाइएगा जेल, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को, फकीर के हाथ में भीख मांगने का जो बर्तन होता है उसे कहते हैं कासा। अब इस शेर का मजा लीजिएगा, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, में जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। खत्म कर रहा हूं। देखिए मेरे मुल्क, अजीज मुल्क, मेरा विशाल मुल्क, अजीज मुल्क, अजीम करीम, मैंने आधी सदी से मैं यही काम कर रहा हूं, आधी सदी मुझे हो गई, एक तिहाई दुनिया में मैंने शायरी सुनाई है, लेकिन मुझे आज तक हिंदुस्तान से अजीज और असीम मुल्क का ये कह नहीं। इसी मेरे अजीज मुल्क में एक शहर है चंडीगढ़। पहले ये बता दूं कि इसमें भी एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो बच्चों के लिए माने बताना पड़ेगा, एक लफ्ज महताब। महताब के माने होते हैं चांद के। चंडीगढ़ एक इवेंट में गया था आपकी की तरह, तो शाम में मैं एक मतबा निकला कुछ लेने बाजार में, तो मैंने ये देखा कि एक 5 फीट 8 इंच का महताब टहलते मेरी तरफ आ रहा था। मैं हैरत में पड़ गया, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। मैंने जब इस तरफ नजर फेरी तो देखा कि 5.5 फीट का महताब। फिर मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो महताब ही महताब। दो लाइनें लिखकर लाया, दोनों लाइनें बहुत खराब, लेकिन इसके बाद सिर्फ इसकी लालच के दो लाइनें बहुत खूबसूरत आपको सुनाना चाहता हूं, जो आपके आंसुओं में चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। भाई साहब आपके लिए, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, रेत बन जाता है, उड़ जाता है, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अब मेरी दो लाइनों की हिफाजत कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ना जाने क्यों मुझे खुशफहमी है कि मैंने शायद अच्छा शेर कहा है, और अगर आपके हाफ़िज़ों में आपकी मेमोरीज में रह जाए तो मेरा शेर याद रखिएगा, मेरा हाथ इंदौरी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा महीने भर बाद, 2 महीने बाद IIT के बच्चों से अगर कोई ये सवाल करे कि राहत इंदौरी को क्यों बुलाया था,
तो मेरे ये दोनों लाइनें मेरी सुना देना कि उसने ये शेर भी सुनाया था, किस लिए बुलाया था। सुनिएगा, मैंने ये कहा कि जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, अब इस शेर की हिफाजत करना, हर शख्स शरीक हो जाए। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, रुमाल के पीछे क्या है। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, अरे पूछते क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। आखिरी में सिर्फ दो चेयर एक मसला है, एक डेढ़ मिनट दो मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिरी में बड़ी मोहब्बतों से सुना, बहुत मोहब्बतों से रुख्सत कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा ये मेरे लिए जिंदगी की यादगार शामों में आज की शाम की। बहुत बहुत सारी इश्क ने आसान से शेर पढ़ा हूँ ताकि मेरे जाने के बाद भी आपके सरों पर कोई बोझ ना रहे। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। ये की आवाजें जहां जहां से आई ना, हाय हाय, पर असली वही है ये। और उन्हीं के लिए हमारी शायरी भी, साहब इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की साफ तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं, गांव की साफ तितलियों के हाथ पीले हो गए। अब ये आखिरी शेर में पढ़ रहा हूं। देखिए, मैं गजल की अप्रोच बताना चाहता हूं कि जब गजल हमारे यहाँ मुगलों के साथ ईरान से फारसी का लिबादा ओढ़कर, शाल और चादरें ओढ़कर यहाँ आई, तो उसमें हमारी डिक्शनरी में ये लिखा था कि गजल के माने औरत से बात करना या औरत के सिलसिले से बात करना, इसके अलावा गजल कुछ थे ही नहीं। इतनी ही अप्रोच थी गजल की। लेकिन मेरी 400-500 बरस में इसी हिंदुस्तान में पल बढ़कर इतनी जवान हुई कि अब इसकी अप्रोच आप देखिए कहाँ कहाँ पहुँच गई। एक शेर का नमूना मैं पेश करता हूँ। हमारे यहाँ पर हिंदू मिथोलॉजी में आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया, उसमें से मुख्तलिफ चीज़ें बरामद हुई थी, जहर, हलाहल, शराब, अमृत वगैरह वगैरह वगैरह। भगवान शंकर ने जहर पी लिया और नीले हो गए, वो इसीलिए शायद नीलकंठेश्वर भी वो कहलाए कि सारा शरीर उनका कंठ नीला हो गया। मास्टर से बताना ये था कि अगर तुम्हें शिव बनना है, अगर तुम्हें भगवान बनना है, अगर तुम्हें खुदाई का ऐलान करना है, तो दुनिया में जितना जहर है, पहली शर्त यह कि पहले तुम्हें खुद पीना पड़ेगा, ताकि दुनिया में फिर किसी के लिए जहर बचेगी नहीं। लेकिन आज सवेरे 5 बजे उठकर अपना टेलीविजन खोलिए, दर्जन भर चैनल्स पर हमारे नकली बाबा अपने आप को खुदा साबित करने पर, शिव शंकर साबित करने पर, भोले शंकर साबित करने पर। अब मैं गजल बना सकता हूँ क्या? ये गजल बन गई जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक गजल का शेर सुनाता हूँ। और अगर मैं गजल बनाने में कामयाब, इस मजमून को मैं गजल बनाने में कामयाब हो गया, तो आप मुझे बताइएगा कि राहत इंदौरी तुम कामयाब हो। मैंने बहुत ही खराब शेर सुनाए कि फूल
बेचारे अकेले हैं, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए और नुकीले हो गए वगैरह, लेकिन अब मेरा शेर सुनिए, क्या मैं ये कामयाब हो गया ये बताइएगा। मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों के सामने गजल पढ़ रहा हूं, गजल यही है, क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए।